चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का नहीं बल्कि खुद का और अपनी पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। मंत्री सारंग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी चल रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, मालूम है कि वो किसी ने लिख के उनको दिया होगा। उन्हें ना वैक्सीन लिखना आता है ना मंत्री लिखना आता है, वो केवल और केवल स्क्रिप्टेड ट्वीट करने के आदि हो गए हैं। मैंने पहले भी कहा था, इतनी उम्र के बाद भी राहुल गांधी को अकल ना आई, हर एग्जाम में पप्पू फेल हो रहा है। और जिस प्रकार से वो रोज ट्वीट कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डेली एग्जाम हो रहा है उसमें भी पप्पू फेल हो रहा है। चाहिए कि कुछ मैच्योरिटी, कुछ अपने व्यक्तित्व में वो गंभीरता लाएं। इस तरह से अगंभीर ट्वीट करके वो अपनी और अपनी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब आप मुख्यमंत्री थे, आप सरकार में थे कमलनाथ जी, तो आपने कोई विकास का काम नहीं किया, आपने केवल विध्वंस की राजनीति की। आपने संबल जैसी योजना को बंद किया जो गरीब के घर में उजियारा लाने का काम करती थी। आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना पर कुठाराघात किया। आपने चलते हुए विकास के कार्य को केवल इसलिए रोक दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्वीकृत हुए थे। आपने सड़क बनाना बंद कर दिया, बिजली का एक यूनिट का उत्पादन नहीं किया। आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में नए स्तर पर वैट लगा दिया। आपने रोजगार के सभी अवसरों को बंद कर दिया। आपने किसान के साथ किया हुआ वादा कि उनका उसका कर्ज माफ करेंगे, वो पूरा नहीं किया। आपने युवाओं को किया हुआ वादा बेरोजगारी भत्ता देने का, वो पूरा नहीं किया। अब आप केवल राजनीति कर रहे हो। कोरोना के इस भीषण संकट में कमलनाथ जी और कांग्रेस के कोई नेता जमीन पर नहीं दिखे। केवल और केवल जवाबी जमा खर्च करना और राजनीतिक रोटी सेकना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। अब देखिए, कमलनाथ जी एसी कमरे में बैठकर केवल ट्वीट कर सकते हैं, जनता के बीच जाकर जनता की सेवा नहीं कर सकते। 50 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर राजनीति करके शिखर पर पहुंचने वाले कमलनाथ, अरबों रुपए मध्य प्रदेश से कमाने वाले कमलनाथ जी, एक बार भी एक व्यक्ति को भी कोरोना के समय मदद नहीं कर पाए। कमलनाथ जी ये सुनिश्चित करें कि और ये बताएं कि उन्होंने कोरोना काल में जनता की क्या सेवा की। मुझे लगता है केवल ट्वीट करने से राजनीति नहीं होती। कमलनाथ जी को चाहिए कि वो अपने खीसे में हाथ डालकर जनता की सेवा के लिए कुछ पैसा निकालें। ये पूरा यदि आपत्ति किसी को होनी थी तो गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को या गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जो उद्योगपति है उन्हें होनी थी। आप कल के प्रदर्शन में देखिए, एक भी उद्योगपति नहीं था कांग्रेस के साथ, एक भी कांग्रेस के साथ वो व्यक्ति नहीं था जिसको उस स्थान पर यदि नया उपक्रम बन रहा है तो उससे आपत्ति हो। केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने ये काम किया। दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 10 साल उन्होंने एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिया, बल्कि दैनिक वेतन भोगियों को और बेरोजगार कर दिया था। वो विध्वंसकारी सोच वाले दिग्विजय सिंह किसी भी सृजन का विरोध करेंगे, ये अपेक्षित है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, मालूम